They're not going to wait anymore. सीधा यहाँ पे रश करने आया 21 की बात कीजिए. प्रीमियर डैमेज दे सकता था अगर एनमो के पे अंदर जाता तो वेल पोजीशंस पता ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है चल चुका है कि वो ऑलरेडी रिजेस में मौजूद है. स्मोक्स किया जाएगा साइड ब्लॉक करने के लिए. एग यहाँ पे आएंगे गिल को टेक डाउन किया जाएगा. गॉड लाइक ये 21 का एचपी थोड़ा सा कम रहेगा. गिल को रिवाइवल की जरूरत रहेगी बट 8 फिनिश पॉइंट्स के साथ TSM इस मैच से बाहर रहेंगे. रेक्स का पोजीशन जितना वाइटल था ओपनिंग उतना वाइटल निकालते हुए जा रहे. एग यहाँ फिलहाल के लिए टेक डाउन किया जाएगा. रेक्स को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा. भरोसा आखिरी प्लेयर एनिग्मा के द्वारा यहाँ पे बचने वाले एक्सो के प्लेयर थोड़े से डिस्टेंस में रहेंगे. लगभग इस बार सीधा फिनिश ऑफ कर दिया गया. गिल का रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा बट आखिरी प्लेयर एनिग्मा के जो रहने वाला है ही कैन बी दैट गेम चेंजर. फिलहाल के लिए नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर ये नेट अच्छे स्पॉट पे गया देन वी माइट जस्ट सी कि यहाँ पे कुछ मुश्किलें गॉडलाइक के लिए बढ़ सकते हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि गिल इस मैच से बाहर जा सकते हैं. देखिए छोटी मोटी चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एनिग्मा की तरफ से गलती हुई मैं उस पर आऊंगा. लेकिन यहाँ पे गिल को काफी अच्छे तरीके से अब जाके उस ग्रेनेड से यहाँ पे डाउन किया गया. सीधा एंट्री लेने का फैसला कर चुके 21 बैक एंड साइड से आएंगे सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे. यूएमपी सप्रेस सर के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है. चलिए कुछ कनेक्शन फिलहाल उतना अंदर मिला नहीं है. डैमेज यहाँ पे काफी ज्यादा कर दिया गया. 21 को ड्रॉप शॉट बट एनिग्मा को यहाँ से बाहर किया जाएगा. एंसर्स बाद में आना चाह रहा था. एग्जैक्ट वो ग्रेनेड जो थ्रो कर रहे थे आप भी देखिए मल्टीपल ग्रेनेड्स हवा में ही ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिला जिसके कारण वो फिनिश जो बेहतर हो सकता था पहले वो नहीं हो पाया. फाइट की बात करें एक्सो भी यहाँ पे ऑलरेडी स्लैमिंग कर चुके हैं. गॉडलाइक के ऊपर यहाँ पे चाह रहे हैं उनको फिनिश किया जा सके जल्द से जल्द. स्नैक्स फ्रंट लाइन कमान यहाँ पे संभालते हुए गमला बोल दिए दूसरी तरफ फाइट में कह रहे हैं. 21 खुद पे ग्रेनेड कर लेते क्या टीम एक्सो फिनिश पॉइंट को यहाँ पे रीड कर पाए. अगर कर लिए तो ये स्लैमिंग बिल्कुल करेंगे. निकासी को फिनिश पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट कर चुके. दो फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है. पंक भी ट्राई करेंगे अपने एंड से. सॉल के गॉबलिन भी अपने आप को फाइट पे लेके जा चुके हैं और गॉडविन को फिलहाल वहां पे डाउन भी किया जाएगा. फिनिश ऑफ ये ही कर देंगे. जो बैटल की बात की जाए तो मल्टीपल फाइट एट द सेम टाइम कहीं भी वो एरिया नहीं बचा जहां पे फाइट नहीं हो रहा. हर तरफ एक ही बात एक बैटल स्टार्ट हुआ हमें देखने को मिल रहा है. अगर बात की जाए फीएस को यहाँ पे चेली के द्वारा टेक डाउन किया गया. मतलब एक फाइट खत्म दूसरा यहाँ पे शुरू. ये कंपाउंड एक्चुअली एक क्लस्टर कंपाउंड में तब्दील हो रहा है. एक के बाद एक टीम आ रही है एक के बाद एक टीम फिनिश ऑफ होते नजर आएंगे. गेल अकेले प्लेयर रहने वाले. नेक्स्ट को नॉक किया जाएगा सीधा फिनिश किया जाएगा. गॉडलाइक के लिए पांचवा फिनिश पॉइंट सिक्योर किया जाएगा. एक्सो के पंक भी नॉकआउट हो चुके. ऑरेंज ड्रॉप की पूरी टीम यहाँ पे रश कर चुके. फिलहाल के लिए सेंसे आएंगे टीम गॉडलाइक को इस मैच से बाहर कर दिया.